हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अभी इस वीडियो में हम 4,499 का वर्गमूल कैसे निकालें यह सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो आप जानते हैं वर्गमूल को हम कैसे लिखते हैं, अंडूर चिन्ह के द्वारा लिखते हैं। और यहाँ पर हमारा मेथड रहेगा भाग विधि। करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए, इस दिशा में आगे बढ़ते हुए दो अंकों को साथ लेंगे और अंडरलाइन, फिर आगे बढ़ें दो अंकों को साथ लें अंडरलाइन। अंदर में हमारे पास कितना बन गया, 44। अब इस 44 के लिए हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर क्या हो, 44 से कम हो। जैसे 5 × 5 किया 25 आ रहा है, 44 से कम है। इससे एक बड़ी संख्या लेकर देखेंगे कितना आ गया, 36, ये भी 44 से कम है। फिर इससे एक बड़ी संख्या लेकर देखेंगे कितना आ गया, 49। देखिए ये 44 से बड़ा आ गया। जैसे ही बड़ा आ जाता है तो हमें वहाँ रुक जाना है। किसको लेना है, इससे पहले वाली संख्या को, यानी किसको लिया है, यहाँ पर हमने 6 × 6 को, कितना आ गया, 36। 6 को एक बार ऊपर लिख दिया। अब क्या करना रहता है, इसको जोड़ना रहता है। देखिए इसको स्टेप बाई स्टेप आप समझ लो, ये फर्स्ट स्टेप कह दो, ये सेकेंड स्टेप और ये आपका थर्ड स्टेप, जोड़ना और घटाना। तो कितना आ गया, 12। घटाया तो कितना आ गया आपके पास, 8। और ये जो ऊपर दो अंक हमने अंडरलाइन कर रखे हैं, ये इसीलिए कर रखे हैं क्योंकि इन दोनों को एक साथ नीचे लेके आना है। अब बच्चों क्या करें, इसके साथ जैसे मैं 7 लेता हूँ, 7 का गुणा करता हूँ, ध्यान क्या रखेंगे, इससे बढ़ाना है, संख्या लेंगे और उसी का गुणा करना है। तो कितना आ गया, 7 × 7 = 49, 4 के लिए आ गया 7 × 14 = 4 = 18, 1 के लिए आ गया 7 और 1 कितना, 8। किसको लिया हमने, 7 को, तो यहाँ लिख देंगे। फिर घटाया तो कितना आ गया, 0 0 आ गया। देखिए बच्चों, यह जो आपका वैल्यू निकला है यह इस दी गई संख्या का वर्गमूल है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताओ। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करो।